सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपकी हिंदी जो रीडर की बुक है उसका पार्ट नंबर 8 है, सीख भरे दोहे करने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। सो लेट्स स्टार्ट। दोहों द्वारा बहुत कम शब्दों में अच्छी बातें अथवा उपदेश दिए जा सकते हैं। मतलब ये जो दोहे होते हैं, ये टू लाइन्स के जो दोहे होते हैं, ये इसमें कम शब्दों में बहुत सारी अच्छी बातें या कोई उपदेश दिए जाते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आते हैं। ओके, कबीर, रहीम, बिहारी, वृंद आदि प्राचीन कवियों ने नीतिगत बातें दोहों द्वारा व्यक्त किए हैं। ये काफ़ी सारे कवि हुए हैं जिन्होंने, जैसे कबीर, रहीम, बिहारी, ठीक है, और वृंद, इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, जो सॉरी दोहे हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी बातें व्यक्त की हैं जो हमारे जीवन तक लास्ट तक काम आएंगी। ओके, तो हमें अपने जीवन में उन बातों को उतारना चाहिए। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ओके, आपको पढ़ना आना चाहिए पहले। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ओके, तो यहाँ पे वाणी का मतलब है वाणी। ओके, आपा मन का आपा खोए मतलब कि स्वरूप, क्या है कि स्वरूप। ओके, तो ऐसी वाणी बोलिए, यहाँ पे जो कवि है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा मन है, वो हमें अच्छी लगे, ठीक है। औरन को शीतल करे, औरों को भी वो शीतल करे, आप हो शीतल होए और खुद भी शीतल होए। मतलब कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो औरों को भी अच्छी लगे और खुद को भी अच्छी लगे, ठीक है। अगर हम अपने लिए बुरे वर्ड्स नहीं सुन सकते तो हमें दूसरों के लिए भी बुरे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या उपदेश दिया जा रहा है इसमें कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे वर्ड्स ही बोलने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए गलत वर्ड्स नहीं सुन सकते तो हम दूसरों के लिए भी गलत वर्ड्स नहीं बोल सकते। ओके, तो इससे क्या अर्थ निकला कि हमें किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे औरों को भी ठंडक प्रदान हो और हमें खुद को भी अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट इज, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ओके, दोबारा पढ़िए। अति का भला न बोलना, अति की भरी न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। यहां पर अति का मतलब क्या है, अधिकता, क्या है, अधिकता। अति का भला ना बोलना मतलब अधिकता, अधिक मात्रा में बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति की भली ना चुप, और अधिक मात्रा में चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अधिकता बोलना भी अधिक अच्छा नहीं होता और चुप रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। हाँ, अति का भला ना बरसना, अधिकता में तो बरसना भी अच्छा नहीं होता। अगर हमें जरूरत है बारिश की, अगर तब बारिश हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होगी फिर बाढ़ आ जाएगी तो ये भी अच्छा नहीं होता। अति की भली न धूप, अब जैसे हमें ठंड में धूप चाहिए होती है तब धूप आ गई, लेकिन गर्मियों में एक्सेस में गर्मी हो रही है तो वो भी अच्छी नहीं होती। उसके कारण क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इस तरीके से। ओके, तो इसमें क्या दोहे में हमें शिक्षा दी जा रही है कि अधिकता किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। किसी भी चीज़ की अधिकता ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। अगर अधिक बोलेंगे तो आपकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा, अगर आप अधिक चुप रहेंगे तो आपको सब लोग बेवकूफ़ समझने लग जाएंगे। अत्यधिक बरसना भी अच्छा नहीं होता और अत्यधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा सामान्य रूप में ही अच्छी लगती हैं, अधिकता में कोई भी चीज़ का जो मूल्य होता है वो खो जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें लिखिए, जो इनके मीनिंग्स हैं वो लर्न कीजिए। गुड बाय।